नमस्कार साथियों, आपका बालाजी ऑनल क्लासेस पे मोस्ट वेलकम। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका माहिशर। दोस्तों, मैं आपको इस सेशन देने से पहले ये बता देता हूं कि मैं ग्राम सेवक या छात्रावास अधीक्षक की कंबाइंड वैकेंसी 2028 उसमें सिलेक्टेड हूं। उससे पहले मेरा हाईकोर्ट एलडीसी में रिटर्न में, मैं टाइपिंग में रह गया था, लेकिन रिटर्न में मेरे 200 में से 180 नंबर थे मेरे। दूसरी बात बता देता हूँ कि जो आपका ग्राम सेवक का सिलेबस है 2021 भर्ती में, उस सिलेबस के अंदर आपको ध्यान रहेगा कि इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक वार नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना दे रखा है कि इंग्लिश आएगी। ये ध्यान में नहीं है कि इंग्लिश कितनी आएगी, कौन कौन से टॉपिक है, ये फिक्स नहीं है। तो दोस्तों, बता देता हूँ कि मैं सारी आपको वो चीज़ दूंगा जो आपको अपनी नया पार करा दे। यानी कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों, मैं द फैक्ट आपको बताऊंगा, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराऊंगा, सारे कंसेप्ट से कराऊंगा और आपका क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई इश्यू है, आपका प्रॉब्लम है, आपके सामने कोई समस्या है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हमें उसको आपको वापस नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए या कोई भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों, जो आपका ये इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें देखो इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या पढ़े ताकि अपनी नैया पार हो जाए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और क्या नहीं पढ़ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जानिए इंग्लिश पोर्शन से क्या क्या चीज़ आएगा, पहले ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स इसी चैनल के माध्यम से कंसेप्ट के साथ मैं क्लियर करूँगा। तो देखिए क्या क्या आने वाला है अब, और मेरा टारगेट है, जिद मेरी एक ही जिद है, बस सलेक्शन, आपका सलेक्शन हो, और मेरा भी एक ही टारगेट कि आपका सलेक्शन हो और मेरा काम हो जाए। देखिए, आपको इसके अगले सेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राम सेवक और छात्रावास अधीक्षक जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में क्या करना है, आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा सिलेबस किस पैटर्न से देखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों, मेरी ऐसे आपसे एक गुजारिश कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये देखिए, आप जो आपका ये सिलेबस है, इसको करने से पहले आप ये, कुछ लोग कोचिंग भी करते हैं और कुछ लोग सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा उनको सजेशन रहेगा कि सेल्फ़ स्टडी इज़ द बेटर देन कोचिंग। अगर आप कोचिंग जाते हैं उससे ज़्यादा बेस्ट आपका रहेगा सेल्फ स्टडी, क्योंकि कोचिंग में आपको इतना फैक्ट और प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो आपको चीज़ रटवाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको चीज़ रटनी नहीं है, इसके लिए आप पॉजिटिव रहिए, सिलेबस को ढंग से देखिएगा। मैं आपको सिलेबस पूरा नोट करवा देता हूँ, क्या क्या चीज़ आने वाला है, कौन सी बुक पढ़नी है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बुक रीफ़र करूँगा ग्राम सेवक के लिए, लक्ष्य, जिसके 2 पार्ट आते हैं, 2 वॉल्यूम्स है, 570 के आसपास उसकी रेट होगी, तो सिर्फ उतना ही आप देखें। और इसके बाद देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है, ये आपका ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपके सिलेबस में है, जिसको हम शॉर्टकट में ईवान कैप नाम से याद कर सकते हैं। आई मीन्स इंटरजेक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन, उसके बाद यहाँ पे होगा आपका एडवर्ब, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ एडवर्ब होगा, उसके बाद प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आपका प्रोनाउन होगा। ये टॉपिक आपके अभी सिलेबस में है, ये फर्स्ट टॉपिक है, पूरे टोटल मिला के 10 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, लेकिन फर्स्ट टॉपिक में पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट है, वो सारे पार्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से क्लियर करा दूंगा। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, वो आपका क्लॉज, उसके बाद आर्टिकल्स, टाइम एंड टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटैक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। तो ये क्लॉज, आर्टिकल्स, टाइम एंड टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपके सिलेबस में। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपका 7 नंबर टॉपिक है वो आपका ट्रांसलेशन, और एक टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बताता हूँ, सेंटेंस को चेंज करना और सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करना दोनों चीज़ अलग अलग है, तो ट्रांसलेशन कैसे करना है ये चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा, क्या करना है सब बताऊंगा। वॉइस और नरेशन, ये आपके सिलेबस है, वॉइस मीन्स पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, तो ये आपके 9 टॉपिक। और 10 नंबर टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका वोकेबलरी।
अगर आपका वॉकेब मजबूत होगा तो आई थिंक आपका रिजल्ट द बेटर आएगा। वॉकेब के अंदर काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती है, जैसे आपका सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, वन वर्ड है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स ग्लोसरी आती है अलग से, जिसको हम आधिकारिक शब्दावली कहते हैं, तो ये चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। तो ये 10 टॉपिक, अब इनको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको कोई चीज़ अभी रिफ़र नहीं करूँगा। मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि ये सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल के माध्यम से क्लियर कराऊँ, और मैं आपको एक महीने के भीतर भीतर सारा सिलेबस दे दूँगा। आप आराम से इसको देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर ये पूरा सेशंस, पूरा टॉपिक जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद आप कहीं से भी मॉडल पेपर उठा के कीजिएगा, अगर क्वेश्चंस आपसे होते हैं तो आप इस चैनल के लिए इतना सहयोग ज़रूर कीजिए कि आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपको इससे अगले सेशन में, जैसे ही मैं आपको, आप ये वीडियो देख लेना, जैसे आप देख लेते उसके बाद मैं आपको अगले सेशन में टाइम एंड टेंस कराऊँगा। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं टेंस इज़ द सोल ऑफ ग्रामर और ग्रामर इज़ द सोल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट सब्जेक्ट। तो मैं आपको समझा देता हूँ, सबसे पहला टॉपिक अपन क्लियर करेंगे टाइम एंड टेंस, अगले सेशन में मैं आपको सेशन ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू सो मच, शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, और आपको इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फ्रेंड्स के साथ इतना शेयर करना है, बहुत सारा प्यार देना है, जिससे मेरा भी आपसे इतना, मैं आपसे इम्प्रेस हो जाऊं और मुझे नई एनर्जी मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं। थैंक यू सो मच।